दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट एवं भीषण अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग IMD की चेतावनी है, इन 3 से 4 राज्यों में भयंकर जो है कहर बरपा सकता है चक्रवाती तूफान फैनी, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ। तो किन किन क्षेत्रों को रहना सतर्क, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट और कौन से 3 से 4 राज्य जिनको रहना है 3, 4 और 2 मई को सतर्क। दोस्तों यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भी नुकसान पहुंचा सकता है तूफान साइक्लोन। अलर्ट जारी हो चुका है और मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि प्रदेश में 2 और 3 मई को तेज हवाओं बारिश की संभावनाएं जताई गई है, जिसका असर 4 मई तक रह सकता है। वहीं दोस्तों भीषण चक्रवाती तूफान फनी को शुक्रवार को ओडिशा के पुरी में दस्तक देने की आशंका के मद्देनजर रक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं और तटीय जिलों में रह रहे हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। वहीं इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु और पांडुचेरी में भी दिख सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि प्रदेश में 2 और 3 एवं 4 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। चेतावनी में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने फानी चक्रवात के कारण 2 और 3 मई को 2019 को प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और तेज हवाओं के साथ, जिसकी गति हो सकती है हवा की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चलने की आशंकाएं जताई गई है और इसकी वजह से आर्द्रता में इजाफा अधिकतम 80-90% होने की भी संभावनाएं हैं। किसानों के सलाह देते हुए किसानों को कहा गया है कि फानी चक्रवात के असर को देखते हुए किसानों और भंडार ग्रहों को सलाह दी जाती है कि नमी और तेज हवा से फसल को हानि वाले नुकसान से बचने के लिए कटी फसल, खुले में रखे अनाज और खेतों में तैयार फसल को काट कर सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था कर लें। इसके अलावा मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 2 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं बिहार में 40 से 50 और उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पांडुचेरी में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके साथ ही इन राज्यों में आंधी और बिजली के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। 3 मई के लिए भी उत्तर प्रदेश, बिहार में इस स्थिति बनी रहने की संभावनाएं जताई गई है। गौरतलब है कि संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र JWTC की तरफ से जारी नवीनतम पूर्वानुमान के मुताबिक 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद फोनी सबसे खतरनाक चक्रवात माना जा रहा है, जिसके 3 मई को दोपहर बाद जगन्नाथपुरी से गुजरने की आशंका है और इस दौरान हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की उम्मीदें हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर पुरी के करीब 660 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रीय तूफान ओडिशा तट की तरफ से अभी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों के कहा है कि नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल ODRF और 2 दमकल सेवाएं और असैन्य प्रशासन की सहायता से संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही विशेष राहत आयुक्त BC सेठी ने कहा है कि तटीय और दक्षिण जिलों के कलेक्टरों ने गुरुवार तक निचली से लोगों को निकलने का पूरा काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को शाम तक यहां तूफान के दस्तक देने की आशंकाएं हैं। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती है। गंजम और पुरी, खोरदा, कटक और जगतसिंहपुर जिले में मूसलाधार बारिश होने और 175 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावनाएं भी जताई गई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव AP पधी ने कहा है कि सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की छुट्टियां 15 मई तक रद्द कर दी गई है। राज्य के पुलिस प्रमुख RP शर्मा ने बताया है कि पुलिस कर्मियों को भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर है उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। तो दोस्तों यदि लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग के, मौसम विभाग ने भीषण अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी हुआ है 2, 3 और 4 मई के लिए। इन क्षेत्रों में आ सकता है तूफान, साथ ही संपूर्ण देश का मौसम इससे प्रभावित होगा क्योंकि 1999 के बाद यह दूसरा भयंकर तूफान साबित हो सकता है, यह कहना है मौसम विभाग का। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे इसी प्रकार की मौसमी गतिविधियों से और देश के अन्य बड़ी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबा लें, इससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।